गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली में जो कुछ हुआ वो अनुमानों के विपरीत था, अटकलों से अलग था और संभावनाओं से काफी दूर। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी उतारने में आखिरी वक्त तक इंतजार किया गया। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा मैदान में हैं। जब नामांकन किया जा रहा था तब प्रियंका गांधी हुंकार भर रही थी, साथ ही अमेठी और रायबरेली की जनता से वादा भी किया। क्या कहा था पहले आप वो सुन लीजिए। आज 3 तारीख है, 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धन बल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। अब प्रियंका दोनों ही सीटों पर प्रचार के रण में उतर रही हैं। आज से वो जनता के बीच जाएंगी और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगी। मतदान तक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में ही रहेंगी, दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगी। प्रियंका गांधी सैकड़ों नुक्कड़ सभाएं, बैठकें, साथ ही घर घर जाकर प्रचार करेंगी। बूथ प्रबंधन से लेकर संपर्क तक सब कुछ संभालेंगी। प्रियंका गांधी लगभग 250 से 300 गांवों को कवर करेंगी और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को बराबर समय देंगी। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से जीत का दावा कर रही है, कह रही है कि राहुल गांधी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। लेकिन जनता की इच्छा ये है कि वहां से लड़े और जीते, ये लाखों से वो वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से परिवार के बाहर का उम्मीदवार उतारकर जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए राहुल रायबरेली से मैदान में हैं। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से उनका मुकाबला है जो कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने का दावा कर रहे हैं। ये पूरा देश जानता है, चुनावी दादा, चुनावी दादी, चुनावी रिश्ता मानने के लिए राहुल गांधी रायबरेली आए हैं, सब कोई जानता है। नामांकन करने आए, जहाज उठाया, दिल्ली चले गए। दिनेश सिंह ने नामांकन किया, रायबरेली के गांव की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। तो रायबरेली जानती है कि मेरा कौन है और पराया कौन है। 5 साल पहले अमेठी में देश का सबसे ताकतवर सियासी परिवार हारा। गांधी परिवार के नाम से जानी जाने वाली अमेठी की पहचान बदली। अब अमेठी में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। हम लोग क्योंकि ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था, क्योंकि पहले तो यहाँ था नहीं कि कौन लड़ेगा, तब तक था नहीं, फिर ये हुआ कि राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। मतलब ये है कि अब स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा। कांग्रेस गांधी परिवार के नाम और प्रियंका गांधी के करिश्मे के भरोसे है, प्रचार की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी ब्रांड मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। अब देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली की जनता के मन में क्या है। टीम न्यूज़ नेशन।